हमारे चैनल कुक विद अनांजलि को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कीजिए ताकि बेल बजते ही आपको सारी वीडियोस देखने मिल जाए। हेलो, कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने मुरब्बा तो आम का बहुत खाया होगा, पर इस तरीके से बना के खाएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। इसके लिए हमें चाहिए है 3 आम। आम कैसे चूज़ करने हैं? इसके जो ना गुठलियाँ होती हैं बिल्कुल चपटी होती हैं, मैं आपको छीलने के बाद दिखाऊंगी। ऐसे आप इसको छील लीजिए और बिल्कुल फर्म आम है, यानी कि छूने में ना बहुत गुदगुदेदार है। तो ऐसे आम कम खट्टे होते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं इससे मुरब्बे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से छील लिया है, अब इसको ग्रेट कर लेंगे। जो मोटे दाने की आपके पास जो ग्रेटर रहेगा उससे आप इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, किस लीजिए। और उसके बाद देखिए ऐसे ही हमें चाहिए हैं, बिल्कुल सही हमने ग्रेट किया है पूरे आमों को। और ये जो हमारी गुठलियाँ हैं देखिए ऐसी रहती हैं चपटी चपटी। ऐसे ही आम इस्तेमाल किए जाते हैं गलका, मुरब्बा, लौंजी बनाने के लिए। तो आप ऐसे ही आम लाइएगा मुरब्बा बनाने के लिए। अब हमने गैस ऑन कर दिया है, उसमें कोई भी आप बर्तन रख लीजिए जिसमें आपको पकाना है। अब मैंने भर के 2 कटोरी आम ले लिए हैं घिसे हुए, और सेम कटोरी में हमने 4 कटोरी पिसी हुई मिश्री ले ली है। इसको धागे वाली शक्कर भी बोलते हैं, तो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए पानी डाल के थोड़ा सा, और पूरा जो मिश्री है वो अपने आप घुल जाएगी। ये देखिए अच्छे से हिला दीजिए। इसको अब मैं ढक के रख दूँगी पका के स्लो आँच पे, ताकि ये जले ना और मिश्री अच्छे से गल जाए हमारी। ये देखिए ऐसी होती है मिश्री, धागे वाली शक्कर भी बोलते हैं, अनरिफाइंड होती है, बहुत हेल्दी होती है। तो आप यही इस्तेमाल करिएगा, शक्कर इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, वो अनहेल्दी होती है। अब हम खोल के देख लेंगे, बिल्कुल सही है, अच्छे से हमारी शक्कर मिल गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी केसर अपने हिसाब से मिला देंगे, बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं डलता है, बस 3-4 चीज़ों में ही, और जल्दी से बन के तैयार हो जाता है ये। अब मैंने इसमें कटे हुए काजू और थोड़ी सी चिरौंजी ले ली है, अब इसको भी आप अच्छे से मिला लीजिए। ऐसे ही बनाइएगा, बहुत टेस्टी स्वाद आता है। मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ है आम को, घिस के डाला है, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, इसका कोई स्वाद नहीं आएगा, पर हाँ थोड़ा सा कलर दे देगा ये। ये थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, डालना ज़रूरी नहीं है पर थोड़ा डाल दीजिए, अच्छा स्वाद आता है इसका भी। अच्छे से इसको मिला दीजिए। अब मैंने 3 इलायची ले ली है, उसको पीस के इसका पाउडर डाल दिया है इसमें। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी इसकी, तो आप इलायची का पाउडर भी डाल दीजिएगा अच्छे से। अब देखिए इस टाइम मैंने छींटे मारता है, तो आप आराम से इसको हिलाइएगा, नहीं तो आप जल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमें इतना पकाना है, आप जब पकाते रहेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा गाढ़ा हो जाएगा, और जो आम जो हमने घिसा हुआ है ना वो बिल्कुल कड़े हो जाते हैं अंदर से पकाने के बाद, और बहुत ही जेली जैसे आपने खाई होगी वैसा स्वाद आ जाता है, बिल्कुल सही है। ये देखिए लोग इसको एक तार की चाशनी बोलते हैं, आप इतना भी पका सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पक जाएगा। अच्छे से आप रोटी पराठा ब्रेड के साथ लगा के खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। टिल देन बाय।